हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एम एस ट्यूट्स। गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी ऐप के अंदर एक मार्क यू टेक्स्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे इसका डेमो दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्क यू टेक्स्ट यहाँ पे ऐड की हुई है। तो ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ मैंने प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है गाइस, तो ये हमारी मार्क यू टेक्स्ट होती है। तो गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी मैं मजीद आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ को बना सकूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट को यूज़ किया हुआ है और इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हम सबसे पहले सेट कर लेते हैं। ओरिएंटेशन कैपिटल, सॉरी कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे हम, स्मॉल लेटर से लिखेंगे ओरिएंटेशन। थोड़ा सा स्लो हो जाता है कभी कभी हमारे मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉय ओरिएंटेशन में यहाँ पे वर्टिकल सेट कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेविटी भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारे जो जो भी एलिमेंट्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो सेंटर में चले जाए। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक मार्जिन यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे 20 dp यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ मार्जिन, ताकि वो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हों सबके ऊपर ही इक्वली अप्लाई हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेविटी सेट कर लेते हैं। ग्रेविटी थोड़ा सा स्लो हो रहा है मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। सेंटर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू जो है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको पता ही है क्या करना है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिख देते हैं, सॉरी जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल टी जब लिखेंगे आप तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख देगा। टेक्स्ट व्यू, मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो काफ़ी स्लो हो गया है। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये सबसे पहले इसकी रिक्वायर्ड एलिमेंट है सेट कर देते हैं मैंने। हम यहाँ पे इसकी जो हाइट विड्थ है वो मैच पेंट, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो मैं यहाँ पे रैप कंटेंट सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं जो इसकी आईडी है वो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो आईडी मैं यहाँ पे सिंपल यूज़ करूँगा टेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है उसको मज़ीद थोड़ा जस्टिफाई कर लेते हैं, उसका जो साइज़ वगैरह है उसको थोड़ा सेट कर लेते हैं हम। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट स्टाइल सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे अगेन मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट साइज सबसे पहले हम चलेंगे वो सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 sp। जब भी आपने साइज़ वगैरह यूज़ करना है तो आपने sp ही फॉर्मेट यूज़ करना है, dp आपने नहीं यूज़ करना, वगरना वो आपको नीचे वार्निंग या एरर शो कर सकता है कि भाई sp की आप sp जो है ना आपको यूज़ करना चाहिए, आपने dp यूज़ किया हो। तो हम यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल मैं बोल्ड और अटैलिक बहुत ही यूज़ करता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल हमने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना, हम टेक्स्ट जो है ना अपनी मेन एक्टिविटी डॉट केटी से को यूज़ करते हुए यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी डॉट केटी वाली फाइल के अंदर आ चुका हूँ। अब हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट की आईडी थी हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डॉट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं डॉट टेक्स्ट, सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगेन मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ और मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। थोड़ा सा आज मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो स्लो हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको इग्नोर करें आज। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट डॉट सेट सिंगल लाइन, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी सिंगल लाइन के अंदर डिस्प्ले होगा तो हमने यहाँ पे इस वजह से यूज़ किया। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट एलिपसाइज इज इक्वल टू टेक्स्ट यूटिल्स, कैपिटल डी से हमने यहाँ लिखना है टेक्स्ट यूटिल्स, टेक्स्ट यूटिल्स डॉट ट्रंकेट डॉट मार्क यू। तो अभी हमारे जो टेक्स्ट है उसको मार्क यू बना देगा। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट डॉट मार्क यू, अब हम उसकी जो लिमिट है वो यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इनफिनाइट यानी कि एक लूप सी यूज़ करूँगा, तो मैं इसके लिए -1 यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये चलती ही रहे बस रुके ना। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉट इज सिलेक्टेड यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ,
और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू। ठीक है गाइस, सॉरी ट्रू की स्पेलिंग गलत हो गई, तो मैं इसको यहाँ पे ट्रू सेट कर लेता हूँ ट्रू। ठीक है गाइस, तो हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं क्या ये सही बना भी है या नहीं है, या वो होवर ये मार्क्यू टेक्स्ट बीमारी जो कंप्लीट हुई है या नहीं है। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक हमारा जो ग्रेडर है वो बिल्ड हो जाता है। हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो रही है। तो जी गाइस, हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया था, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे वो एक मार्क्यू टेक्स्ट व्यू के अंदर आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो गाइस ये तो हमारी ये थी हमारी मार्क्यू टेक्स्ट व्यू। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर लाजमी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।